आईपीएल में कमाते हैं कई कई करोड़ और बाहर विदेशी लीग में जाकर करते हैं बल्लेबाजी ताबड़तोड़। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, आईपीएल में तो ये खिलाड़ी करोड़ों करोड़ों कमाते हैं, कई कई करोड़ रुपए लेते हैं, लेकिन आईपीएल में बल्लेबाजी नहीं करते, अपनी टीमों को धोखा दे देते हैं, अपनी टीमों को गड्ढे में ढकेल देते हैं, अपनी टीमों के लिए बढ़िया प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करके दिखाते। लेकिन जब बात बाहर की लीग की आती है तो इन खिलाड़ियों के अंदर जोश आ जाता है, इन खिलाड़ियों का बल्ला चलने लगता है, इन खिलाड़ियों की गेंद विकेट चटकाने लगती है और ये खिलाड़ी बेहतर खेलने लगते हैं। ऐसे कई तरीके के सवाल हमेशा विदेशी खिलाड़ियों पर खड़े होते हैं, क्योंकि कुछ विदेशी खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में आकर बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। कई कई करोड़ रुपए मिलते हैं इन खिलाड़ियों को, लेकिन उसके बावजूद जब ये खिलाड़ी आईपीएल छोड़कर किसी दूसरी लीग में जाते हैं तो इन खिलाड़ियों का बल्ला आग उगलने लगता है। ऐसे दो खिलाड़ियों का जिक्र करूंगा जिन दो खिलाड़ियों ने आईपीएल में कुछ नहीं करके दिखाया, लेकिन जब अब T20 ब्लास्ट में जा रहे हैं तो इनका बल्ला ब्लास्ट कर रहा है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। नाम है सैम करन। सैम करन को भाई कितनी मोटी रकम में पंजाब ने खरीदा था, प्रीति जिंटा लुट गई, बर्बाद हो गई सैम करन को पैसा देते देते, और सैम करन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। आईपीएल 2023 में सैम करन कुछ नहीं कर पाए, अपने दम पर कुछ नहीं मैच जिता पाए, और हालत क्या हुई आप लोगों को पता है कि पंजाब क्वालिफायर भी नहीं कर पाए, टॉप फोर में भी नहीं पहुंच पाई, जबकि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया। लेकिन क्या हालत हुई आपको पता है। लेकिन जब T20 ब्लास्ट में सैम करन गए, केवल 50 लाख रुपए मिले थे, केवल 50 लाख रुपए, तो वहां पर सैम करन का बल्ला भी आग उगल रहा है, वहां पर सैम करन की गेंद भी आग उगल रही है, दोनों कमाल कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरे खिलाड़ी हैं हमारे सुनील नरेन, वो खिलाड़ी जिसे गौतम गंभीर ने बना दिया, बहुत बड़ा स्टार बना दिया, केकेआर को लूट लिया, शाहरुख खान बेचारे सीधे साधे से हैं, भोले भाले से हैं, उनसे पैसा लूट लिया और कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से आते हैं, मैदान पर टाइम बिताते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सुनील नरेन T20 ब्लास्ट में मेरे भाई ब्लास्ट कर रहे हैं, गेंद से ऐसा लग रहा है कि जैसा पुराना सुनील नरेन आ गया हो। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जब आईपीएल 2023 में सुनील नरेन गेंदबाजी कर रहे थे तब कहां गई थी उनकी ये फिरकी, तब उनके विकेट टेकिंग डिलीवरी कहां गई थी जो T20 ब्लास्ट में जाकर आने लगी। 50 लाख रुपए, बस केवल 50 लाख रुपए में ये खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं और आईपीएल में करोड़ों रुपए में ये कुछ नहीं करके दिखाते हैं, तो सवाल इसीलिए खड़े होते हैं इन खिलाड़ियों पर। ऐसे सवाल कई बार मैक्सवेल पर खड़े होते हैं, क्योंकि मैक्सवेल भी आईपीएल में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब बाहर की लीग में जाते हैं, आईपीएल को छोड़ देते हैं, अपने देश के लिए खेलते हैं, तो मैक्सवेल का बल्ला भी चलने लगता है। तो तमाम कई सारे विदेशी खिलाड़ियों पर इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं, और अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सैम करन और सुनील नरेन पर खड़े हो रहे हैं। आपका इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना, और क्या आपको लगता है कि वास्तव में कुछ विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में धोखा देते हैं, आईपीएल में उस तरह का प्रदर्शन नहीं करते हैं? जैसे बेन स्टोक को ले लीजिए, आईपीएल में 2 मैच खेले, चोटिल हो गए, कुछ नहीं किया, अब जाकर इंग्लैंड की तरफ से बढ़िया खेल रहे हैं, कोई चोट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं जो धोखा दे देते हैं अपनी अपनी टीमों को, करोड़ों करोड़ों रुपए लूट के ले जाते हैं बेचारे आईपीएल मालिकों के, और जाकर अपने देश के लिए या फिर दूसरी लीगों में जाकर बढ़िया खेलते हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके से पोल खोलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।